कश्मीर फतेह या सजा, कश्मीर फतेह या सजा। पता नहीं क्यों इस रिश्ते पे मान नहीं रहे माँ। तो अब इसका हल क्या है आरिज? जब तक मामू अपनी जिद छोड़ नहीं देते तब तक मुझे कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। मेरा भी फैसला आपके फैसले की तरह बिल्कुल अटल है बाबा। मैं शामिर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आंटी मैं जैना की इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी मोहब्बत जैना की हमेशा कर्जदार रहेगी। इस तरीके से बाबा मुझसे नाराज होकर चले गए। उन्होंने मुझसे ना सारे रिश्ते खत्म कर दिए, यहाँ तक कि अपने घर के दरवाजे तक बंद कर दिए मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है वो जरूर वापस आएंगे और इस रिश्ते को भी कबूल करेंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ। मेरे ख्याल से मुझे उसे फोन करके खुद ही पूछ लेना चाहिए। जरूर कोई गहरी बात होगी, वरना नवीन मुझे बताए बगैर चैन से रह नहीं सकती। इसका तो फोन भी बन जा रहा है। आरिज को जरूर बताया होगा। मैं आरिज से पूछती हूँ। ज़ैना, मुझे ऐसा नहीं लगा कि नवीन मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो फोन पे मुझे जरूर बताती। मुझे लगता है ये तुम्हारा वहम है। नहीं आरिज, मैंने ना नवीन के अंदर इतनी बेचैनी कभी नहीं देखी। बेचैनी? कैसी बेचैनी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फैसला करना चाह रही हो लेकिन कर नहीं पा रही। कैसे खुलकर बात करूं? अब नवीन ने जब मुझसे कुछ नहीं कहा, वो मुझसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो मैं तुमसे कैसे कहूं? जब उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं तो तुम ये कयास अराइयां कैसे कर रही हो? भला ये मुमकिन है कि नवीन के दिल में कोई बात हो और वो हम दोनों में से किसी एक के साथ भी शेयर ना करे? तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो मैंने महसूस किया वो महज मेरा वहम था। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि उसने ऐसी कौन सी बात की जिससे तुम्हें ये लगा कि वो कोई फैसला करना चाहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर हाँ नवीन ने मुझे बताया था कि वो लाहौर जा रही है अपनी दोस्त की शादी अटेंड करने। भाई आज के बाद मैं तुम्हारी जहानत का कायल नहीं। मैं और नवीन खामखा में ही तुम्हारी जहानत से इतना इंप्रेस होते थे। भाई लाहौर जाने की बात से भला ये कैसे साबित होता है कि वो किसी बेचैनी में मुब्तला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम किसी बेचैनी में मुब्तला हो। भाई साहब आप नहीं आ रहे? लेकिन कल तो आपने फोन करके कहा था कि आप आ रहे। हम सब तो बहुत खुश थे, पर अचानक ऐसी क्या बात हुई कि आपका इरादा बदल गया? भाई साहब एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा क्या अहम हो सकता है? नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि आप बाप हैं और बाप के लिए बेटी की खुशियां बहुत अहम होती हैं,
देखिए कैसे मुमकिन है एक बेटी की मंगनी बाप के बगैर हो जाए। भाई साहब मंगनी की रस्म आपके बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है हम आपका 15 दिन तक इंतजार करेंगे। वैसे भी हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। ठीक है भाई साहब अल्लाह हाफिज। बेवकूफ लड़की है नवीन। जैसे आप नवीन की बेवकूफी कह रही हैं वो दरअसल काबिले तारीफ अमल है। बहुत अच्छी बात है सबको पसंद आई सिवाय आपके। और ये तो पहले से तय हो गया था सलीमा कि इन चारों की मंगनी एक साथ होगी। अगर जैना के वालिद को शारजा से आने में 15 दिन लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये जैना और उसके अब्बू का मसला है वो जाने और उनका काम। जब नाश्ता तैयार है नवीन और आरिस की मंगनी करने के लिए फिर 15 दिन का इंतजार क्यों है। भाई मंगनी नवीन की है जाहिर है उसी की बात को तरजीह देंगे हम। अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते ना। अगर वो इंतजार करना चाहती है तो हमें भी करना पड़ेगा। तो आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना नवीन को शह मिलती है। एक के बाद एक फरमाइश करती रहती है वो आपसे। अब एक और फरमाइश कर दी उसने। जानता हूं मैं वो अपनी सहेली की शादी में लाहौर जाना चाहती है। और आपने इजाजत दे दी होगी उसे। बिल्कुल दे दी इसलिए कि कुछ ही दिनों के बाद उसकी मंगनी होने वाली है और फिर वो रिश्तों में घिर जाएगी फंस जाएगी। अभी अगर एक हफ्ते के लिए जाना चाहती है शादी अटेंड करना चाहती है तो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रही अस्मा कहां से याद आ गई है इसको। सलीमा बेगम क्यों आप हर बात को तूल देती हैं? जाने दें उसे। अच्छा बाबा नहीं देती तूल। पहले तो आपको नवीन की आदतें अच्छी नहीं लगती थी और इसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराते थे। अब अगर कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ हंसे ऊपर वाले ने क्या हुस्न बनाया है तुम्हारा जो भी तुम्हें एक नजर देख ले तुम्हारे हुस्न का गुलाम हो जाए। कितना खुश नसीब है शामिल जिसकी जिंदगी में तुम आने वाली। काश काश ये खुशी मेरे नसीब में होती। अब तो जैना को करीब से देखना पड़ेगा और किसी ना किसी बहाने से ताल्लुकात बढ़ाने होंगे क्योंकि जैना आज से मेरी मोहब्बत बनेगी। सॉरी शामिल। किन सोचों में गुम हो गए मंसूर मेरे भाई। मैं बस ये सोच रहा हूं कि मुझे तुम्हारी मंगनी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। हाँ यार बेसब्री से इंतजार तो मैं भी कर रहा था मगर अब इंतजार के सिवा कोई चारा भी तो नहीं।
सही कह रहे, ये इंतजार की घड़ियां बहुत तकलीफ दे होती हैं। भाई तुम्हारे लिए क्यों तकलीफ दे हैं? जैना से मंगनी मेरी हो रही है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी ही तकलीफ की बात कर रहा था यार। अब तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हारी तकलीफ तो महसूस कर सकता हूँ ना। हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है। दोस्त ही दोस्त की तकलीफ का अंदाजा लगा सकता है, और तुम्हारी दोस्ती पे मुझे नाज है। मुझे उसकी अजीब सी कमी महसूस हो रही है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि नवीन को गए हुए एक साल हो गया। मैंने तुम्हें कहा था पहुंचते ही कॉल करना, ना हमारा फोन उठा रहे हो और ना ही कॉल करके बताया। मजाले मेरी बात पर तुमने कान धरा हो। कल नवीन कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, और आज कब से कॉल मिला रहा हूं, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है जैना, मगर ये ख्वाहिश पूरी कैसे करूं मैं? इसके लिए मुझे सबसे पहले जैना से ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे। अम्मी जान, ये नवीन लाहौर क्यों चली गई है? अपनी सहेली की शादी अटेंड करना, और क्यों? नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं खुद ही उसे छोड़ने के लिए गया था एयरपोर्ट। मुझे उसकी अजीब सी कमी महसूस हो रही है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि नवीन को गए हुए एक साल हो गया। अभी सुबह ही तो गई है। तो ठीक है अम्मी, लेकिन एक हफ्ते के लिए गई है वो। मैं उसके बगैर एक हफ्ता कैसे गुजारूंगा? वैसे मुझे लगता है कि वो भी तुम्हारे बगैर बेचैन होगी। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे छोड़कर जाती क्या? उसकी सहेली ने इतने प्यार से उसे बुलाया तो जाना तो जरूरी था ना। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि लाहौर वाली सहेली इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। तुम्हारे पास देखो एक ही हल है कि तुम सब्र और तहमुल के साथ नवीन के आने का इंतजार करो। यही ऑप्शन है तुम्हारे पास जब तक वो नहीं आ जाती, और मैं जो किचन देख कर आती हूँ। क्यों जहन में कुछ अजीबोगरीब से वसवसे आ रहे हैं? ऐसे वसवसे और खदशात का शिकार मैं पहले कभी नहीं रहा। नवीन को सी ऑफ करते वक्त उसके चेहरे पर दुख के साथ एक खुशी भी झलक रही थी। ये मैं क्या अजीबोगरीब सोचने लगा हूं? नवीन, तुम कल से लाहौर गई, एक कॉल तक तुमने नहीं की। मैंने तुम्हें कहा था पहुंचते ही कॉल करना, ना हमारा फोन उठा रहे हो और ना ही कॉल करके बताया। मजाले मेरी बात पर तुमने कान धरा हो। लाहौर में ऐसा क्या मिल गया है जो माँ बाप को भूल गई हो तुम? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? अकेली बच्ची शहर से बाहर गई भी है, हजार वसवसे आ रहे हैं। अच्छा सुनो, फौरन अपने अब्बू को फोन करो, बहुत परेशानी हुआ तुम्हारी वजह से। अब फिर ये मत कहना कि शादी के झमेलों की वजह से मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली कॉल करने की। और हाँ, शादी खत्म होती अगले दिन ही कराची के लिए रवाना हो जाना, समझ गई तुम? फोन रखती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।
कल नवीन कॉल अटेंड नहीं कर रही थी और आज कब से कॉल मिला रहा हूं, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। शायद उसका फोन चोरी हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि वो फोन खराब हो गया हो। अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है ज़ैना, मगर ये ख्वाहिश पूरी कैसे करूं मैं? इसके लिए मुझे सबसे पहले ज़ैना से ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे? ज़ैना तक पहुंचने का हल मिल गया। नवीन की कॉल नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके बाइस वो कॉल नहीं कर रही मुझे। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो श्वेत? आज हमारी याद कैसे आई? हाँ यार, मैं कराची छोड़कर फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, यहीं गुलबर्ग के इलाके में। गुलबर्ग बहुत ही प्यारा इलाका है। क्या बात है भाई, हमारा इलाका इतना प्यारा कैसे लगने लग गया? दरअसल मेरी एक जान से प्यारी अजीज उस इलाके में है। हाँ समझ गया, तुम्हारी वो जान से प्यारी अजीज कौन है। खैर तुम सुनाओ, आज कॉल कैसे की? आरिज, दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और मेरी बात गौर से सुनो। हाँ हाँ बोलो। बात यह है कि हेलो हेलो आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है, पर आप मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर ऑफ, लगता है नेटवर्क इशू है। आखिर शुएब मुझसे ऐसी क्या बात करना चाह रहा था? नवीन जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। क्या अस्मा ने तुम्हें 2 दिन के लिए रोक लिया है और तुम रुक गई? देखो 2 दिन का मतलब सिर्फ 2 दिन है, जल्दी वापस आ जाना। और हाँ, अस्मा का नंबर मुझे याद से भेज देना, ताकि तुम्हारे नंबर अगर ना लगे तो उससे कांटेक्ट तो कर सकूं। ठीक है, वापस।
हेलो, कैसे हैं बारिश साहब? मैं ठीक, आप कौन बात कर रहे हैं? मुझे मंसूर कहते हैं। मंसूर, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जनाब आप हमें पहचानते नहीं हैं, पर रिश्ते में हम आपके साले साहब होते हैं, वो भी होने वाले। मैं समझा नहीं, अपना खुलकर तारुफ करवाएं। अरे आरे साहब, मैं शामीर का दोस्त और नवीन का भाई, मेरा मतलब है मुंह बोला भाई, मंसूर बात। हाँ हाँ बिल्कुल याद आया, नवीन ने एक आध मर्तबा आपका तस्करा किया है मुझसे, और शामिल ने भी एक आध दफा आपके बारे में बात की है। जैना तक पहुंचने के लिए आरएस की दोस्ती बहुत जरूरी है। पप्पू, मेरी शामीर से बात हो रही है, वो मुझे बता रहा है कि नवीन बाकायदगी से अपने घर वालों को कॉल कर रही है, लेकिन आरएस की कॉल अटेंड नहीं कर रही। हाँ हाँ बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी? सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि एक खास बात है। तुम्हारी आंखों में आंसू। ये आंसू नहीं, मेरी मोहब्बत और भरोसे का इनाम है।